नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्षों की उपलब्धियों का डंका बजाते हुए स्थानीय सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि मोदी जी का चमत्कारी नेतृत्व जिसके कारण आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और आने वाले 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प मोदी जी ने लिया है। प्रेस वार्ता के दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि विपक्ष गठबंधन द्वारा लगातार व्यवधान डालने का प्रयास मानसून सत्र में किया गया। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान उनकी उपलब्धियों की गाथा सुनाते हुए सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि आने वाले समय में देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा होगा। हालांकि उन्होंने इसकी तिथि 2047 तक निर्धारित की, जो मोदी का वादा है। तो आइए सुनते हैं क्या कहना था स्थानीय सांसद जनार्दन मिश्रा का। आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या हो, चाहे वो कोरोना का काल हो, चाहे रूस यूक्रेन संकट हो, इन सब के बावजूद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। और आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, जो विकास के काम, जो रोजगार के चौकी विकास हर दृष्टि से जो काम हो रहे हैं, वो आज के काम की बुनियाद के कामों द्वारा बुनियाद रखी जा रही है और ये बुनियाद है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। मित्रों, तैयारी है, तुरंत बन गई है, अधिग्रहण चल रहा है, रेल की पटरी दिख रही है, पुल बन रहे हैं। जब मुआवजा और नौकरी मिलेगी लोगों को, तब ना जाएंगे वहाँ से दिया सिलसिला में। नहीं, वो तो उनको दे रहे हैं, 5 लाख रुपए दिया जा रहा है रोजगार के लिए। फिर क्यों काम शुरू नहीं हो रहा है? काम होगा, शुरू होगा, थोड़ा बहुत जा रही है, अभी तो गोविंद करते तो पूरा हो गया। पार्टी में अगर कोई आना चाहता है तो हम उसको कैसे रोक सकते? पार्टी में तो हर कोई सदस्यता है, पूरी सदस्यता है, मास पार्टी है, जिसको आना है सबका स्वागत है। नहीं, कोई नाराजगी किसी को नाराज नहीं। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, तो शासन इसको बेरोजगारी को कैसे देखते, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? कृषि उत्पादन, छोटे उद्योगों का को सपोर्ट और इस तरह से अनेक सेक्टर्स में जो काम हो रहे हैं उनको लेकर के जो बेरोजगारी का की दर है वो घट रही है और आगे इसको हम सफलतापूर्वक पर काम कर रहे हैं। महिलाओं को जितना सम्मान शिवराज जी की सरकार में, जितना संरक्षण शिवराज जी की सरकार में मिला है, मैं नहीं समझता कि देश में किसी भी राज्य में इस तरह का उनको मजबूत करने का, सशक्त करने का कोई काम हुआ हो। आज दिन बलात्कार और रेप की घटनाएं हो रही हैं, आप ही के सरकार में हो रही है, बहुत घटनाएं हो रही हैं, कहीं कहीं होती हैं, लेकिन जो नीति है सरकार की उसके आधार पर लड़कियों के जन्म से लेकर के उनकी शिक्षा और शादी और अब महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने तक की जो योजनाएं चली हैं उनके आधार पर उतना इतनी बड़ी योजना है कि देश के किसी भी प्रांत में नहीं चले। अभी मणिपुर मामले